आओ हमीद उस पेड़ तक दौड़े, देखे वहाँ कौन पहले पहुँचता है। कौन से पेड़ तक? वो जो सामने नीम का पेड़ नजर आ रहा है। वो पेड़ तो बहुत दूर है, इतनी दूर मुझसे दौड़ा नहीं जाएगा। अरे तुम इतनी सी दूर भी नहीं दौड़ सकते। हाँ दोस्त, थोड़ी ही दूर दौड़ते ही मेरा तो सांस फूलने लगता है। मैं तो वहाँ तक दौड़कर दो चक्कर लगा सकता हूँ। फिर तो तुम पहलवान हो। हमारे अब्बा जान हमें रोज सुबह बाग में ले जाते हैं, वहाँ हम सब भाई बहन खूब दौड़ते हैं। तुम्हारे अब्बा तुम्हें दौड़ने से मना नहीं करते? नहीं, वो तो खुद भी हमारे साथ दौड़ते हैं। हम तो कभी बाग में नहीं जाते और ना ही दौड़ लगाते। कमाल है, हमारे अब्बा जान तो कहते हैं कि सुबह की ताज़ा और साफ हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है। अच्छा, वो ये भी कहते हैं कि तंदुरुस्त रहने के लिए साफ पानी पीना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए और खुली और ताज़ा हवा में सांस लेना चाहिए। तभी तुम क्लास में इतने आगे हो। मैं तो रोज नहाता हूँ और उससे पहले वर्जिश भी करता हूँ। मैं भी रोज यही करूँगा। क्या तुम कभी बीमार नहीं होते? सेहत का ख्याल रखने वाला कभी बीमार नहीं होता, मैं अपनी सेहत का ख्याल रखता हूँ। मुझे तो आए दिन ही कुछ ना कुछ तकलीफ रहती है। अगर तुम अपनी सेहत का ख्याल रखोगे और इन बातों पर अमल करोगे तो हमेशा तंदुरुस्त रहोगे। खालिद, आज तुमने मुझे बहुत अच्छी और काम की बातें बताई, अब मैं भी ऐसा ही करूँगा। शुक्रिया।